नमस्कार, गोड्डा झारखंड न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को 8 फरवरी को अस्पताल से मिलेगी छुट्टी। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो कोरोना वायरस के गंभीर संक्रमण को मात देकर 2 दिन बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएंगे। कोरोना से संक्रमित होने के बाद उनके फेफड़े में गंभीर संक्रमण फैल गया था, जिसकी वजह से उनका फेफड़ा ट्रांसप्लांट करना पड़ा। अब वह पूरी तरह से स्वस्थ है और 8 फरवरी को चेन्नई के MGM हेल्थ केयर हॉस्पिटल से उन्हें छुट्टी दे दी जाएगी। शिक्षा मंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक को संक्रमण की वजह से 4 महीने से अधिक समय तक चेन्नई के अस्पताल में बिताना पड़ा। 19 अक्टूबर 2020 को उन्हें रांची के मेडिका अस्पताल से एयरलिफ्ट करके MGM चेन्नई में भर्ती कराया गया था। सूत्र बता रहा है कि शिक्षा मंत्री अस्पताल से छुट्टी मिलने के तुरंत बाद झारखंड नहीं आएंगे। अभी वह 15 दिन तक वहीं रह सकते हैं। झारखंड में स्कूल खोलने के लिए जनहित याचिका दायर। राज्य के स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थाओं को खोलने को लेकर शुक्रवार को हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। झारखंड गैर सरकारी स्कूल संचालक संघ झारखंड रांची के केंद्रीय अध्यक्ष राम प्रकाश तिवारी ने यह याचिका दायर की है। प्रार्थी के अधिवक्ता कृष्णा प्रजापति ने बताया कि कोरोना के कारण झारखंड सरकार ने सभी स्कूल, कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों को बंद रखा है। 10वीं और 12वीं के लिए स्कूल खोले गए, लेकिन नर्सरी से 9वीं तक की पढ़ाई बंद है। इससे लाखों विद्यार्थी प्रभावित हुए हैं। ऐसे में स्कूल खोलने के लिए सरकार को उचित आदेश दिया जाए। प्रार्थी ने कहा कि 65% गरीब विद्यार्थियों के पास ऑनलाइन पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, इंटरनेट सहित अन्य सुविधाएं नहीं है। स्कूल बंद रहने के कारण नर्सरी से 8वीं तक की पढ़ाई नहीं हो पाई है। किसानों के समर्थन में झारखंड में किया चक्का जाम, सड़क पर उतरे कृषि मंत्री बादल पत्रलेख। नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े किसानों के समर्थन में झारखंड में भी कई जिलों में सड़क पर उतरकर लोगों ने सड़क जाम किया। रांची, हजारीबाग, खूंटी, लातेहार और कोडरमा समेत कई जिलों में राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता ने सड़क जाम किया। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख रांची के बुटी मोड़ पहुंचकर चक्का जाम कार्यक्रम में शामिल हुए और किसानों के समर्थन किया। इस दौरान उसके हाथ में किसान एकता जिंदाबाद की तख्ती भी थी। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से रांची जिले में 3 जगहों, बुट्टी मोड़, चनहो व बुंडू चौक की मुख्य सड़क पर लोग धरने पर बैठ गए और आंदोलनरत किसानों के समर्थन कर रहे थे। इसके साथ ही नए कृषि कानूनों को वापस लेने की भी मांग कर रहे थे। झारखंड के 6 एग्रीकल्चर कॉलेजों में नामांकन शुरू। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद द्वारा कॉलेज व सीट आवंटन के साथ ही बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत सभी 6 एग्रीकल्चर कॉलेज में स्नातक स्तरीय नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। गढ़वा, देवघर, गोड्डा, चाईबासा के सभी कॉलेजों में नामांकन काके स्थित एग्रीकल्चर कॉलेज के सभागार में लिया जा रहा है। डीन एग्रीकल्चर डॉक्टर MS यादव ने बताया कि रांची एग्रीकल्चर कॉलेज में शुक्रवार को नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यहां नामांकन की प्रक्रिया 6 फरवरी तक चलेगी। इसके साथ ही गढ़वा एग्रीकल्चर कॉलेज के लिए भी नामांकन की प्रक्रिया शुरू की गई है। तिलका मांझी एग्रीकल्चर कॉलेज गोड्डा के लिए नामांकन प्रक्रिया 8 फरवरी से, रविनाथ टैगोर एग्रीकल्चर कॉलेज देवघर में नामांकन के लिए 9 फरवरी से, वहीं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग रांची और कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर चाईबासा में नामांकन की प्रक्रिया 10 फरवरी से होगी। खबर है झारखंड के दुमका से। रिम्स में भर्ती कैदी ICU से हुआ फरार, हत्या के मामले में दुमका जेल में था बंद। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़ा हुआ है। रिम्स में इलाज के लिए भर्ती कैदी शनिवार तड़के फरार हो गया। कैदी सिद्धेश्वर उरिया हत्या के एक मामले में दुमका जेल में बंद था। वहां तबीयत खराब होने पर उसे रिम्स लाया गया। रिम्स के मेडिकल ICU में उसका इलाज चल रहा था। जानकारी के मुताबिक कैदी सिद्धेश्वर मौका पाकर ICU के बाथरूम की खिड़की से फरार हो गया। एक दिन पहले शुक्रवार को उसे दुमका से रिम्स लाया गया था। घटना की सूचना मिलते ही रांची पुलिस अलर्ट हो गया। पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंचकर छानबीन कर रही है। खबर है झारखंड के पाकुड़ से। बच्चों को नियमित स्कूल भेजें अभिभावक। राज्य के कृत +2 उच्च विद्यालय में शनिवार को प्रभारी प्रधानाधिपिका परमिला टुडू की अध्यक्षता में शिक्षक अभिभावक गोष्ठी की गई। संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य था मैट्रिक एवं इंटर की वार्षिक परीक्षा में बेहतर परिणाम को लेकर 10वीं एवं 12वीं के छात्र छात्राओं को नियमित विद्यालय में उपस्थित रहने पर जोर देना था।
साथ ही संगोष्ठी में 9वीं एवं 12वीं के कक्षा के छात्र छात्राओं के लिए ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखने को कहा गया। झारखंड अधिविद परिषद द्वारा जारी किए गए पाठ्यक्रम से अभिभावकों को अवगत कराया गया। घर में छात्र छात्रा परीक्षा की तैयारी कैसे कर रहे हैं इसकी जानकारी भी ली गई। सरकार द्वारा निर्धारित कोविड-19 मानकों का पालन करना आदि अन्य बिंदुओं पर परिचर्चा की गई। इस दौरान अभिभावकों ने भी अपने सलाह दी, जिस पर अमल का आश्वासन दिया गया। खबर है झारखंड के जामताड़ा से, जरूरतमंद लोग योजना के लाभ के लिए करें पहल। झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से शनिवार को जामताड़ा प्रखंड परिसर में शिविर का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मोहम्मद अब्दुल नसीर ने की। सीजीएम ने दूरदराज से शिविर में पहुंचे लोगों से कहा कि बगैर मांगे योजना का लाभ नहीं मिल सकता है। यदि जरूरतमंद है और योजना का लाभ पाना चाहते हैं तो इसके लिए प्रखंड या पंचायत कार्यालय आना होगा। सरकार आमजनों के विकास के लिए संकल्पित है। जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी कंचन भदौलिया ने बाल विकास परियोजना से संबंधित योजनाओं के बारे में जानकारी दी। अनुमंडल पदाधिकारी संजय पांडे ने कहा कि जब किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं रहती है, उसे आसपास पड़ोस और पदाधिकारी से बात कर योजना के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। खबर है झारखंड के लातेहार से, प्रशिक्षण से लाए जीवन में परिवर्तन, उपायुक्त ने कहा। उपायुक्त अबू इमरान की अध्यक्षता में आरसीटी जिला परामर्शदात्री समिति की बैठक आयोजित की गई। उपायुक्त अबू इमरान ने पूर्व की बैठक में लिए गए निर्णय की समीक्षा की। उपायुक्त ने कहा कि प्रशिक्षण देने का उद्देश्य शिक्षणार्थियों को स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाना है, तभी प्रशिक्षण देने का उद्देश्य पूर्ण होगा। वर्तमान परिवेश को देखते हुए गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देने का निर्देश दिया। बैठक में आरसीटी के निदेशक उमेश पासवान द्वारा सत्र 2021-22 के लिए वार्षिक कार्य योजना की जानकारी दी गई, जिसमें बताया गया कि सत्र 2021-22 में 20 प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर 600 बेरोजगार युवक एवं युवतियों को प्रशिक्षित करना है, जिस पर उपायुक्त ने स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य योजना को अनुमोदित किया। खबर है झारखंड के बोकारो से, कौशल विकास के लिए JNTVTI ने खोला एक सेंटर, युवाओं को मिलेगा प्रशिक्षण। JN टाटा वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर इंस्टीट्यूट ने युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण के लिए वेस्ट बोकारो में झारखंड ओडिशा का 7वां स्थान खोला है। वेस्ट बोकारो में खोले गए इस इंस्टीट्यूट में 35 छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण मिलेगा। नए संस्थान के उद्घाटन पर छात्रों को संबोधित करते हुए टाटा स्टील रॉ मटेरियल मैनेजमेंट के वाइस प्रेसिडेंट DB सुंदर रमन ने कहा कि कुशल कार्यबल समय की मांग है, जो डिमांड और आपूर्ति के बीच की कमी को पटाने के लिए युवाओं को रोजगार के अनुसार तकनीक रूप से हुनरमंद होना जरूरी है। JNTVTI आज के दौर में युवाओं को तकनीक रूप से दक्ष बनाने के लिए अनूठा अवसर दे रहा है। खबर है झारखंड के खूंटी से, खूंटी को मिला पहले इंडोर स्टेडियम व स्विमिंग पूल की सौगात। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश SN पाठक ने शनिवार को खूंटी हेल्थ क्लब का उद्घाटन किया। जिले के पहले इंडोर स्टेडियम में स्विमिंग पूल की भी सुविधा है। उद्घाटन के मौके पर खूंटी के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ललित प्रकाश चौबे, विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा, उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी, नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी, वन परमंडल पदाधिकारी व अन्य अधिकारी मौजूद थे। इसके अलावा जिले के गणमान्य लोग भी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इसके पूर्व न्यायाधीश ने बैडमिंटन खेला व खुट्टी हेल्थ क्लब का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। मौके पर उन्होंने कहा कि हेल्थ क्लब में आवश्यक व्यवस्थाएं की गई है, अब जरूरत है कि प्रशासन द्वारा किए गए प्रयासों को आम जन अपने योगदान से सार्थक बनाए। मौके पर विधायक ने कहा कि हेल्थ क्लब बन जाने से अब खुट्टी वासियों का स्वास्थ्य और अधिक बेहतर होगा। इसके पूर्व बेहतर स्वास्थ्य और सुरक्षित पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से साइकिल रैली निकाली गई। खबर है झारखंड के पलामू से, मालगाड़ी के 2 वैगन में लदे कोयले में लगी आग, घंटों मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। CIC रेलखंड के मोहम्मदगंज रेलवे स्टेशन पर शनिवार की सुबह जब एक मालगाड़ी पहुंची तो उसके 2 वैगन में लदे कोयले में आग लगी देखी गई। गाड़ी को मेन लाइन पर खड़ी कर फायर ब्रिगेड की मदद से घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यह आग कहां से और कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया है। राजधानी एक्सप्रेस में लगी आग, इमरजेंसी ब्रेक से रोका ट्रेन को। रांची से नई दिल्ली जा रही राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में गंगा घाट रेलवे स्टेशन के पास आग लग गई। ट्रेन जब गंगा घाट रेलवे स्टेशन से गुजर रही थी तभी स्टेशन के स्टाफ ने ट्रेन में पीछे से चौथे वेगन में आग देखी।
गार्ड को सूचना मिलने के बाद ट्रेन को इमरजेंसी ब्रेक लगाकर फौरन रोका गया और रेलवे के इंजीनियरों ने फौरन मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। इसके बाद सब कुछ ठीक ठाक कर राजधानी एक्सप्रेस को आगे बढ़ाया गया। गंगा घाट रेलवे स्टेशन के स्टाफ की सतर्कता से एक बड़ा हादसा होने से बच गया। इस दौरान राजधानी एक्सप्रेस तकरीबन 25 मिनट तक गंगा घाट रेलवे स्टेशन पर खड़ी रही। खबर है झारखंड के सरायकेला से। पशुपालकों को दी मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना की जानकारी। जिला गव्य विकास विभाग के तत्वावधान में शनिवार को सरायकेला प्रखंड के छोटा दावना पंचायत स्थित सीनी सिद्धमा गांव में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित की गई। पशुपालकों को योजना के तहत 2 दुधारू गाय, कामधेनु डेयरी फार्मिंग के तहत 5 गायों की मिनी डेयरी व 10 गायों की मिनी डेयरी, चारा काटने की मशीन योजना के तहत हस्त चालित व विद्युत चालित मशीनों को उपलब्धता और प्रगतिशील डेयरी कृषकों को योजना के तहत मिल्किंग मशीन, पनीर व खोआ मेकिंग यूनिट, वर्मी कंपोस्ट यूनिट, डीप बोरिंग, काउमेट की खरीदारी समेत अन्य जानकारी दी। साथ ही प्रत्येक योजना में प्राप्त होने वाले अनुदान की विस्तार पूर्वक जानकारी भी दी। इसके साथ ही आज के समाचारों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।